नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। नवरात्रि के इस पावन अवसर के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि माता रानी के अलौकिक आठवें स्वरूप की क्या खास मान्यता है। माता रानी का ये जो आठवां स्वरूप है, उनकी पूजा अर्चना करने से आपके जीवन में किस प्रकार के खास वरदान की प्राप्ति आपको होती है, माता रानी की पूजा करने से भक्तों को क्या कुछ खास विशेष अपने जीवन में आभास करने का मौका मिल सकता है, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। इसी के साथ माता के इस आठवें स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो उनका सबसे प्रिय भोग कौन सा है, उनको किस रंग से अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती है और साथ के साथ किस ग्रह को आप नियंत्रित कर पाते हैं, किस ग्रह की परिस्थितियों को बेहतर कर पाते हैं अगर आप माता रानी के इस अष्टम इस आठवें स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। माता रानी माँ दुर्गा का अष्टम स्वरूप, आठवां स्वरूप जो माना गया है वो है माँ महागौरी। माँ महागौरी के इस स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो ये अत्यंत सुंदर, अत्यंत अलौकिक रूप जो है वो माना गया है। भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से माता रानी के इस स्वरूप को अत्यंत गौर वर्ण जो है वो प्राप्त हुआ और इसी वजह से माता रानी के इस स्वरूप का जो नाम है वो माँ महागौरी बन पड़ा। इसी वजह से माता रानी के स्वरूप को माँ महागौरी के नाम से जाना जाता है। माँ महागौरी की जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सिर्फ माता रानी का ही नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ का भी विशेष आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होता है। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ये दिन खास करके माता रानी के इस स्वरूप को समर्पित होता है और माता रानी माँ महागौरी की जो भी व्यक्ति विशेष रूप से पूजा अर्चना करता है उनको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और हर प्रकार की सुख समृद्धि का आगमन जो है ऐसे व्यक्ति के जीवन में होता है। माता रानी की अगर कोई विवाहित जोड़ा पूजा करता है, स्पेशली अगर विवाहित स्त्री जो है वो पूजा करती है तो उसके सुहाग की रक्षा होती है। और ऐसे ही साथ में अगर कोई अविवाहित महिला जो है, अविवाहित कन्या जो है, अगर वो माता रानी के स्वरूप की पूजा अर्चना करती है तो उसे मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। तो दोनों ही रूप से माता रानी का आशीर्वाद जो है वो एक व्यक्ति को प्राप्त होता है और उनके जीवन में खुशी का, सुख का और साथ के साथ सुहाग का भी आगमन जो है वो हो सकता है। तो माता रानी के इस रूप की, इस स्वरूप की पूजा अर्चना अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको विशेष लाभ जो है वो अपनी जीवन में देखने का अवसर प्राप्त होता है। माता रानी के इस खास स्वरूप की अगर हम बात करें, इनके रूप की अगर हम बात करें कि वो दिखती कैसे हैं, तो माता रानी का ये जो स्वरूप है सबसे पहले वो बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही सुंदर है। उन्हें भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से गौर वर्ण की प्राप्ति हुई है और इसी के साथ माता रानी की चार भुजाएं हैं जिनमें एक हाथ में वो त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में वरद मुद्रा और एक हाथ में अभय मुद्रा धारण करती हैं। माता रानी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का जो आगमन है वो होता है और साथ के साथ हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो है, हर प्रकार के शत्रु जो हैं, उन सभी का आपके जीवन से नाश होता है, विनाश होता है। इसी वजह से माता रानी, अगर हम ग्रह की बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो माता रानी राहु के संबंधित जो भी समस्या एक व्यक्ति के जीवन में आ रही होती हैं उसका नेतृत्व करती हैं। माता रानी के अंदर ये एक क्षमता है, माता रानी के इस स्वरूप के अंदर ये शक्ति है कि वो राहु ग्रह का नियंत्रण कर सकती हैं, उसका नेतृत्व कर सकती हैं। इसी वजह से अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने कार्यों में सिद्ध नहीं हो पाता है, अपने कार्यों में फोकस लैक करता है, बार बार उनकी जीवन में दिक्कतें, ऑब्स्टिकल्स, अननोन ऑब्स्टिकल्स आते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि कैसे आपके जीवन में समस्या आ गई, इस प्रकार की दिक्कतों से अगर कोई व्यक्ति बार बार जूझता है तो माता रानी के इस स्वरूप की पूजा करने से कहीं ना कहीं आपके जीवन में इन सभी दिक्कतों का जो नाश है वो होता है।
शत्रुओं से अगर आप पीड़ित रहते हैं तो उनका विनाश होता है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। माता रानी का ये जो अष्टम स्वरूप है, क्योंकि दुर्गा अष्टमी का ये जो पर्व है उसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो माता रानी की माँ महागौरी की पूजा अर्चना इस दिन आपको ज़रूर करनी चाहिए। माता माँ महागौरी का ये जो रूप है उनका स्मरण करते हुए इस स्वरूप का अगर आप माँ दुर्गा के समक्ष कुछ भी भोग अर्पित करते हैं, पूजा विधि विधान से करते हैं, माँ महागौरी का स्मरण करते हुए उनके रूप की, तो विशेष करके लाभ जो है वो हर भक्त को, हर व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलता है। अब कौन सा रंग माता रानी को सबसे प्रिय है माँ के स्वरूप को, और इसी के साथ साथ कौन सा भोग सबसे ज़्यादा प्रसन्न करता है माता रानी को, आज हम आपको वो भी बताएंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दुर्गा अष्टमी का पर्व जो है वो अपने घर में पूजते हैं, तो इसी वजह से अपने घर में वो लोग हलवा, काले चने और पूरी का ये जो भोग है वो बनाते हैं। ये भोग अगर आप अपने घर में बना रहे हैं तो माता रानी को ये भोग आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ एक और ख़ास चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा प्रिय है माता रानी को, वो है नारियल। तो अगर नारियल का भोग भी अगर इसके साथ आप माता रानी को अर्पित करते हैं तो उससे भी उनको खास करके प्रसन्नता जो है वो होती है। अगर आप अष्टमी का जो त्यौहार है वो नहीं पूछते हैं तो भी नारियल का बना हुआ कोई भोग या नारियल से बनी हुई कोई मिठाई आपको माता रानी के समक्ष ज़रूर अर्पित करनी चाहिए, और इसी के साथ आप गुड़ या फिर गुड़ से बना हुआ कोई पकवान भी जो है वो भी माता रानी को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं, ये भी उन्हें अत्यंत प्रसन्न करता है। रंग की अगर हम बात करते हैं तो माता रानी को नीला रंग अत्यंत प्रिय है और इसी के साथ लाल रंग। तो नीले और लाल रंग का विशेष रूप से अगर आप उपयोग करते हैं अपनी इस पूजा विधि में तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो प्राप्त होता है। माता रानी का ये जो स्वरूप है वो गौर वर्ण का है, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने श्वेत वस्त्र भी धारण किए हुए हैं और श्वेत आभूषण भी धारण किए हुए हैं। तो माता रानी का ये जो अलौकिक स्वरूप है इनका स्मरण करते हुए अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करते हैं इस अष्टमी के दिन, तो आपको विशेष करके लाभ जो है वो अपने जीवन में प्राप्त होता है। संध्या के समय पूजा करने का खास महत्व होता है क्योंकि नवरात्रि के पर्व में रात्रि का खास मान्यता मानी गई है, तो इस प्रकार से पूजा अर्चना आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसी के साथ क्योंकि नवरात्रि के ये जो पर्व होते हैं वो बहुत ही खास विशेषता रखते हैं, तो इन 9 दिनों में अगर आप कुछ खास गुप्त उपाय, कुछ खास गुप्त रेमेडीज़, कुछ खास गुप्त प्रयोग कर लेते हैं तो पूरे साल के लिए आपकी जो एनर्जीज हैं वो एकदम क्लेंस हो जाती हैं, और साथ के साथ अगर नकारात्मक ऊर्जा बार बार आपके बनते काम बिगाड़ती है, दूसरों की नज़र दोष से आप पीड़ित रहते हैं, तो ऐसे में भी ये जो उपाय होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेहतरीन वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आशा करते हैं कि आपका दिन शुभ रहे और नवरात्रि के इस पावन अवसर की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम आशा करते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहेगा। नमस्कार, जय माता दी।